हेलो मैम, दिस इज़ उत्कर्ष आहूजा। ओके, सो मेरा ये जो मेरा मतलब प्रोजेक्ट है वो ये है। तो जैसे सपोज कोड आपके सामने है सारा, ठीक है, ये मैंने कोड खुद बनाया, राइट। एंड मैं इसके एक्सपेरिमेंट्स आपको करके दिखाता हूँ, इफ़ इन केस मैं लैपटॉप ना ला पाऊँ, ठीक है। जैसे मैं रन करता हूँ, ओके, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, हम डिवाइस रीडर जनरेट कर रहे हैं। तो ऑडियो डिवाइस रीडर इज अ डिवाइस, मतलब इज अ कर्नल, जिससे कि हम ऑडियो इनपुट ले सकें, ठीक है। एंड फिर उसके बाद मैं अपनी साउंड रिकॉर्ड करूंगा, दो साउंड के सैंपल्स लूंगा और उनके बीच में डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा कि कौन सा किसके कितना सिमिलर है या कौन सा कितना किसके डिफरेंट है, राइट। तो मैं इसको प्लॉट करके दिखाता हूँ। तो जैसे सपोज मैं दो साउंड लूंगा, हाई एंड ओके, तो पहले मैं हाई को हाई के साथ कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कितना वो सेम है, कितना कर्व सिमेट्रिकल है, और हाई और ओके के बीच में दिखाऊंगा कितना सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल है, राइट। सो यहां पे मैं अपनी साउंड्स रिकॉर्ड करूंगा अब। ओके, सॉरी, मेरे को मतलब हाई रन करानी थी। तो सो हाय, तो अब दो साउंड्स रिकॉर्ड हो गई है, हाई एंड हाई एंड, तो उसको हम दिखाएंगे अब। तो जब मैं इसको चलाता हूँ तो मेरे पास हाई एंड हाई दो साउंड्स इनपुट में आ गई हैं। तो ये पहली वाली है, दूसरी वाली ये है। इसको मैं प्लॉट कर देता हूँ, यहाँ पे फिगर में आ गया, राइट। अब मैं इसको प्ले कर देता हूँ, तो ये दो साउंड्स हैं। अब फिर मैंने इसका कोरिलेशन फंक्शन यूज़ किया है इन दोनों को कोरिलेट करने के लिए कि भाई सिग्नल एक दूसरे से कितना सिमिलर है। यहाँ पे आपको एक पीक नज़र आ रही है, लेकिन ये इतनी मतलब कह सकते हैं कि अच्छी पीक नहीं है, सही पता नहीं चल रहा कि सिग्नल कितना ज़्यादा एक दूसरे को कोरिलेट कर रहा है, इससे मतलब अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको पहले फिल्टर करूँगा। फिल्टर करने के बाद कर्व कुछ ऐसा दिखता है। तो इसमें देखिए नॉइस एकदम जीरो हो गई है, मतलब बहुत लो है, बहुत ही लो नॉइज़ है और बहुत जीरो हो गई है, मतलब अप्रोप्रिएट। उसके बाद फिर मैं इसको दोबारा प्ले करूँगा एंड फिर अब मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूँ। तो बेशक आपने नॉइज रिलीज मतलब हटा दिया, उसके बाद भी इसका कोरिलेशन फंक्शन सेम है, तो इससे मुझे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि सिमेट्री मैं इसके बीच में कैसे ढूंढूंगा, मैं नहीं ढूंढ सकता। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इस फंक्शन को, जो मतलब इनपुट हमने करवाया है, जो हमारा सिग्नल इनपुट हुआ है, उसको उसी के साथ बार बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो उससे होगा क्या, जब आप इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी ना, मतलब सिग्नल के अंदर, वो सारी हट करके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसलिए ये आपको जो अप एंड डाउन दिख रहा है ना, ये सिग्नल के अंदर अप्स एंड डाउन्स, ये दिखने बंद हो जाएंगे और सिग्नल की सिमिलैरिटी क्रिएट करना आसान हो जाता है। तो ये आइडिया मैंने खुद ही लगाया था, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आई ट्राई टू पुट सम स्मार्टनेस हियर, ऐसे करके लिखा है, आई ट्राई टू पुट सम स्मार्टनेस हियर, वट आई डिड इज, ग्रीन में लिखा हुआ है, आई मल्टीप्लाइड द ओरिजिनल सिग्नल वाई ऑडियो मैट्रिक्स टू एस जी एफ वाई, एस जी एफ इज सेविंस्की गोले फिल्टर मैट्रिक्स, एंड कॉन्सिक्वेंस क्या है कि दिस मेड द वैल्यूज ऑफ नॉइज विच आर लेस देन वन टू गेट मोर मिनिमाइज एंड हैज एटलीस्ट स्मॉल इफेक्ट ऑन द आउटपुट साउंड। और उससे जो मेरा सिग्नल है उसमें से पॉजिटिव वैल्यूज आ जाती हैं। तो मेरा जो ये फंक्शन, जैसे इसके बाद मैं ऐसे करता हूँ, जैसे ये मैंने रन कराया, तो इसमें देखो कि नेगेटिव वैल्यूज बिल्कुल ही मतलब हटी गई हैं, जैसे जीरो से नीचे बहुत ही कम आ रही हैं, राइट। तो ये गलतियों की वजह से होता है कि नेगेटिव वैल्यूज कुछ रह जाती हैं, हवेवर ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन वो रह गई, राइट। फिर उसके बाद मैं इसको कोरिलेट करता हूँ। मैं यहाँ पे पहले कंपेयर करके दिखाऊंगा, ये आ गया, प्लॉट हो गया। अब ये प्लॉट होता है कर्व, नेक्स्ट कोरिलेट करके दिखाया। इसके कोरिलेट करते ही मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है कि पीक कितनी सिमिलर है, मतलब कितनी ज्यादा मतलब सिमेट्रिकल है, मतलब यहां से अगर मैं इसको कट करूं सिग्नल को, ये एक दूसरे कितना सिमेट्रिकल बन गया है। इससे ही पता चल जाता है कि आपने जो साउंड दिया है, वो जो दो साउंड्स दिए हैं, उन दोनों के पीछे कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, राइट। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने इसको प्ले करके सुनाता हूं मैं आपको, कैसे अजीब लगता है इसको सुनना। हाँ, तो ये साउंड बड़ी अजीब सी बन जाती है ऐसे में। फिर यहां पे क्या है कि डबल मल्टीप्लीकेशन सप्रेस किया है मैंने, इससे मैंने एस जी एफ वाई मैंने सिमेट्री गोले फिल्टर को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया एक दूसरे से, मतलब पावर उसकी 20 कर दी है, जिससे क्या हो रहा है कि सिग्नल के अंदर जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो एकदम बूस्टअप हो जाती हैं। तो जो मान लो कि आपकी, जैसे सपोज आपकी आवाज में कुछ, आपकी आवाज को आपकी आवाज क्या बनाता है, आपकी आवाज की फ्रिक्वेंसी बनाती है। तो लेट्स सपोज आपकी आवाज की फ्रिक्वेंसी के अंदर कुछ ऐसे फ्रिक्वेंसी के
पॉइंट्स होंगे जिनमें ज्यादा एम्पलीट्यूड आप डालते होंगे। तो सिग्नल क्या कर रहा है, सिग्नल को अगर मैं बार बार से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपकी वॉइस जो है, जो आपकी एक्चुअल वॉइस है उसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी जिसकी पावर सबसे ज्यादा है वो और बूस्टअप हो जाती है, और जिनकी पावर कम है वो और मिनिमाइज हो जाती है ना। तो उससे आपको ये मिलेगा, इस तरीके का कर्व मिलेगा, ठीक है। तो इस वाले में और इस वाले में फर्क देख लीजिए, इसमें मतलब फिर भी आपको कुछ नजर आ रहा है, इसमें तो बहुत ही मतलब डिमी हो गई वैल्यूज, इसमें जो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज थी वो बूस्टअप हो गई और 200 के आसपास पहुंच गई। तो उसमें क्या है, उसमें वैल्यूज 1.5 के आसपास है, यहाँ पे 200 के ऊपर निकल गई है। अब जब इसको हम कोरिलेट करते हैं तो मेरा जो कर्व आता है वो और एक पीक बन जाता है प्रॉपरली। तो ये जो पीक बन रही है ना, एकदम एग्जैक्ट पीक बन रही है, इससे आपको ये नजर आ जाएगा कि कर्व कितना ज्यादा सिमेट्रिकल था, और आपकी वॉइस के अंदर आपके जो फ्रिक्वेंसी बैंड है वो उसमें कितना डिफरेंस भी था, दोनों बता रहा है। पीक बताती है कि ये कितना ज्यादा सिमेट्रिकल है, और जो ये मतलब ब्लर बना रहा है जो इसमें, मतलब इसको मैं जूम इन कर देता हूँ, जैसे मैं इसको जूम इन कर देता हूँ विंडो को, हाँ और जूम इन कर देंगे तो ये आपको ये जो अप एंड डाउन दिख रहे हैं इससे ये बता देता है कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी, जो आप पहली साउंड में बोल रहे थे और जो दूसरी साउंड में बोल रहे थे, उन फ्रिक्वेंसीज, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज के पीछे कितना डिफरेंस आ गया है, ये वो भी बता देता है। हावेवर फिलहाल हम इसका कोई यूज नहीं कर रहे, ये मतलब फर्दर एनालिसिस के लिए। अगर मान लो मेरे को कोई कहा जाए कि सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन करो, तो मैं उसमें क्या काम करूंगा, मैं उसमें ऐसा काम करूंगा कि आप ही की आवाज की फ्रिक्वेंसीज के अलग अलग सैंपल्स लूंगा, ट्रेन करूंगा और उसी को फिर प्ले करूंगा। जैसे कोई हाय हाय ऐसे बोलता है, हाय, कोई कहता है हाय, कोई कहता है हाय, फिर कोई कहता है हाय, ऐसे ऐसे करके मतलब डिफरेंसेस अगर आ जाते तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको इस तरीके से मतलब एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। तो अब हम आ जाते हैं इस पे, एडिट वाली विंडो पे, एडिटर वाली विंडो पे, ठीक है। तो मेन हमारा जो एनालिसिस वाला रहेगा माइनर के अंदर, वो सिर्फ ये रहेगा कि सिमिलर कर्व के अंदर कितनी सिमिट्री है, यहां तक। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आवाज को बदलूंगा और इस कर्व को मैं सामने, ये कर्व अनफॉर्चुनेटली यहां से हट जाएगा क्योंकि आप इसको कंपेयर नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आपको अभी याद रखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितनी सिमिलैरिटी है, मतलब कितना सिमिलर है एक दूसरे के, कितनी सिमेट्रिकल है ये कर्व, राइट। अब मैं इस कर्व को हटाने वाला हूं, तो अब मैं इसी वॉइस के बाद ओके वाली वॉइस को डालूंगा जिससे आपको ओके वाली वॉइस सुननी पड़ेगी। अब ओके वाली वॉइस के साथ ही कोरिलेट करेगा, तो अब 3 2 1 ओके, सॉरी मैं दोबारा करूंगा इसको, ओके। तो अब प्लॉट कर देते हैं इसको, तो इसमें देखिए ये पहले हाई है, इसमें ओके। अब ओके के अंदर दिक्कत क्या है कि पहली ओके एक सिंगल वर्ड नहीं है, ओके इज ओ एंड के, दो वर्ड साउंड्स हैं, तो इसलिए आपको दो प्लॉट्स नजर आ रहे होंगे यहाँ नीचे, एक ये ओ वाला और ये एक के वाला, ये के वाला है, ये ओ वाला है और ये के वाला है ना। इसमें फिलहाल अभी थोड़ी नॉइज है, इस नॉइज को हम हटा देंगे, ये दोनों साउंड्स आप सुन चुके हो, ठीक है। अब ये इसका कोरिलेशन देखिए, पिछले वाला कोरिलेशन कितना सही था, उसके अंदर मतलब कितनी अच्छी पीक्स थी, इसमें सिर्फ एक या दो पीक है, मतलब स्मूथ नहीं है, इसको हम और स्मूथ करेंगे आगे चल के। तो ये देखो, अब मैंने जब इसकी साउंड नॉइज हटा दी है तो ये फंक्शन देखो कितना स्मूथ हो गया है, और मतलब कर्व जो आ रहा है उतना स्मूथ आ रहा है एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे आपको नॉइज दिख रही है, और इस वाले में नॉइज और सप्रेस हो गई है, और कर्व भी स्मूथ हो गया है, और इसमें ओ एंड के दो वॉइसेस अलग नजर आ रही हैं, राइट। तो अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं इससे, अब हमारा जो कर्व आ रहा है वो मतलब कोरिलेशन के बाद, जैसे मैंने पहले कहा था कि दो बार करने में कोई फायदा नहीं होता, तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा, इसका सिवेस्की गोले फिल्टर लगा के इसको आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिसकी बाद आपको कर्व मिलेगा कुछ इस तरीके का। तो ऊपर वाला आपका हाई है, नीचे वाला ओ एंड के है, तो ओ और के अलग अलग आ रहा है जैसे। तो अब इसका कोरिलेशन अब देखिए, जैसे आप इसको लगाते हैं तो ये सिमेट्रिक कितनी लॉस्ट हो चुकी है, तो अब ये कर्व सिमेट्रिकल नहीं है। अब अगर मैं इसके सेंटर के किसी भी एक्सिस अगर बीच में लगाता हूँ और उसके बाद में इसकी सिमेट्री चेक करता हूँ, तो ये कर्व सिमेट्रिकल नहीं है, जिससे क्या पता चलता है कि आपकी जो दोनों सैंपल्स थी साउंड की जो आपने इनपुट में डाली है, वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। इससे ये भी पता चल जाता है कि अगर ये सिमिलर नहीं है तो इसका मतलब आपका जो वर्ड है जो आपने बोला है वो इस वर्ड को तो एटलीस्ट बिलोंग नहीं करता है जो आपने साउंड डाली हुई है। मेरा अब जो काम रह गया है वो ये है कि हर एक साउंड के साथ में एक टेक्स्ट वर्ड मतलब रखना, मतलब जैसे आपने ओके वर्ड बोला तो उसके साइड में साउंड सैंपल्स के साथ मेरे को उसका नाम रखना पड़ेगा ओके। तो जब आपने ओके के साथ ओके रिलेट किया है, कोरिलेट किया है, तो वर्ड तब डिस्प्ले होगा। तो यहां पे एसिमेट्रिकल आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको आगे ले जाता हूं। अच्छा, अब यहां पे हम डबल बैंड मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब इसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था
कि आप ही की फ्रिक्वेंसीज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाहर आ जाएंगे, वो किया है। अब मैं इसको कोरिलेट करूंगा, सो सॉरी, यहां पे ये, अब देखिए, अब यहां पे आपको दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, है ना। तो इससे ये भी पता चल जाता है कि आपका कर्व जो आपने मतलब वर्ड बोला है वो अलग अलग है, ठीक है। इससे ये तो पता चल गया कि आपका कर्व अलग अलग जा रहा है, तो इंप्लाइज कि आपने जो साउंड इनपुट की थी वो दोनों डिफरेंट है, राइट। अब मैं एक और चीज करके दिखाऊंगा जिसमें मैं दो बार ओके ओके बोलूंगा, और होता क्या है कि जैसे सपोज एक साउंड आपने बोला है, जैसे ओके ये वाला साउंड है, जैसे ये साउंड का प्लॉट था हमारा ओ एंड के, ये ओ था और एक के था। तो मैंने एक फॉर्मूला अपने आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेरे को नजर आया कि ये वाली जो पीक बनती है ना, जैसे ये वाली पीक जो बनती है, ये पीक्स जब आपका वर्ड सेम होगा, और जैसे सपोज ओके और ओके दो बार बोला है, तो उसमें सिमेट्री होगी लेकिन पीक्स अलग अलग होंगी। मैं आपको करके दिखाता हूं। और वो पीक्स कितनी होंगी, जैसे सपोज इनपुट के अंदर आपके दो वॉइस सिग्नल थे, इनपुट के अंदर आपके दो वॉइस सिग्नल थे, तो 2n-1, n की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो 2n-1 दैट इज 4-1 3, तो आपको 3 पीक्स नजर आएंगी। तो उस पीक के अंदर लेकिन सिमिलैरिटी मतलब सिमेट्रिकल होंगी, वो पूरा कर्व सिमेट्रिकल होगा, वो मैं करके दिखाता हूं आपको। यहां पे ओके ओके, तो अब ये मेरा ओके ओके दो बार मैंने प्रिंट मतलब इनपुट में लिया है, तो एक टाइम में पहले और एक टाइम में थोड़ा बाद में है। तो अभी अपने आप सॉफ्टवेयर इसको काम कैसे करेगा, ओके ओके, अब ये आपको दिखा रहा है, देखो अब यहां पे इतनी अच्छी पीक बन रही है और कर्व थोड़ा सा स्मूथ भी है, तो इससे पता चल रहा है कि सिमिलैरिटी है वो मतलब साउंड के अंदर, राइट। अब मैं नीचे आऊंगा यहां पे, ओके ओके राइट। अब ये देखिए ओके ओके के अंदर कितनी सिमिलैरिटी है। इसके बाद जो अब कर्व बनेगा वो मजेदार है, राइट। अब देखिए यहां पे ये कर्व कितना सिमेट्रिकल है, अगर मैं इस पॉइंट के अराउंड एक मतलब एक्सेस डालूं तो ये आपको कर्व एक दूसरे के कितना सिमिलर मिलेगा, सिंस मैंने जैसे कहा था कि 2n-1 3 पीक्स नजर आएंगी, 1 2 3, एन आपकी वैल्यू 2 थी तो 4-1 3 पीक्स नजर आ रही है। ऐसे ही होता है, जैसे अब अगर मैं कोई वर्ड ऐसे बोलूं अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के अंदर 3 वर्ड्स है, अम्ब्रेला, तो 3 × 2 6-1 5 कर्व मिलेंगे। तो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूं, तो आपको यहां पे 5 ऐसे पीक्स मिलेंगी, लेकिन सिग्नल सेंटर से आप ले लोगे तो बहुत स्मूथ मिलेगा और सिमेट्रिकल मिलेगा। मैं करके दिखाऊंगा, अम्ब्रेला, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, अम्ब्रेला अम्ब्रेला, तो देखिए अम्ब्रेला अम्ब्रेला, नहीं गलत आया है, अम्ब्रेला पूरा तो पूरा बोलता मैं, सॉरी दोबारा करते हैं, अम्ब्रेला अम्ब्रेला, तो ये गड़बड़ हो गए, मैं इसको दोबारा करूंगा। यहाँ पे आते हैं डिवाइस राइडर, ओके कोई और वर्ड यूज कर लेते हैं, जैसे नहीं अम्ब्रेला ही करते, चलो अम्ब्रेला अम्ब्रेला, हाँ जी। अब ये साउंड्स आपको यहां पे नजर आ रही है, ये आपको नजर आ रही है कि अम्ब्रेला अम्ब्रेला, आपको ला वाली साउंड एकदम सिमिलर से नजर आई। यहां पे देखो ये कट ऑफ हो गई क्योंकि 2 सेकंड के बाद आपने बोली है, हाउएवर इससे ही थोड़ा काफी हद तक हम पता लगा लेंगे, ला की कोई ज्यादा जरूरत पड़ेगी भी नहीं थी, ये भी दिख जाएगा आपको यहां पे, अम्ब्रेला अम्ब्रेला, तो ला की जैसे वॉइस कट हो गई है। अब ये देखो ये फिर भी स्मूथ है ऐसे जाके ऊपर, और सिंस अम्ब्रेला के अंदर अलग अलग पॉइंट्स होते हैं तो आपको 1 2 3 4 5 पीक्स नजर आ रही हैं यहां पे। अब यहां पे भी फिर वैसे ही है, इसके बाद सेम वही पीक्स नजर आ रही हैं। अब यहां पे हम इस कर्व को ड्रॉ करेंगे, ये वाला देखो कट हो गया जैसे, इसके बाद कोरिलेशन का पॉइंट आएगा। ये देखिए इसके अंदर काफी सिमिट्री है, सिंस आपने पूरा वर्ड अम्ब्रेला नहीं बोला था इस वजह से प्रॉपर सिमिट्री नहीं मिलेगी, लेकिन 5 पीक्स आपको नजर आ रही होंगी यहां पे, 1 2 3 4 5, ये इस फॉर्मूला एक तरीके से वैलिड हो जाता है।
अब ये डिपेंड करता है कि हर एक बंदे ने कितने अपने सैंपल्स लिए और सैंपल्स की ट्रेनिंग कैसे करी है। हाउएवर मैं ट्रेनिंग अभी नहीं कर सकता, वो मैं माइनर में नहीं रखना चाहूंगा, वो मेजर में रखना चाहूंगा। इसमें मैं सिर्फ दो या तीन वर्ड्स को कंपेयर करके उसको बता सकता हूँ कि भाई आपने ये वर्ड बोला है या ये वर्ड बोला है। मैं ज्यादा एक्चुअल में वर्ड्स इनपुट में नहीं डाल सकता क्योंकि ये माइनर वाला पार्ट है। मैं मेजर में ले जाऊंगा तो उसमें फिर भी कर सकता हूँ। तो जैसे सपोज मैं ग्रेट वर्ड बोलता हूँ, तो ग्रे में ग र एट वर्ड्स आती है, जैसे मतलब ऐसे साउंड बनती है, तो उसके अंदर आपको पीक एक नजर आएगी, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी मतलब झूलती हुई पीक होगी। हाउएवर सिग्नल काफी स्मूथ होगा और सिग्नल सिमेट्रिकल भी होगा। दिखाता हूँ मैं, जैसे ग्रेट ग्रेट, तो ये ग्रेट और ये ग्रेट, ट वाली साउंड आपको लास्ट में ये नजर आ रही है। दोनों में मेरा ट वर्ड बोलना मतलब ज्यादा मतलब वैसा होता है, तो आपको दो साउंड्स आपके पास है ग्रेट के अंदर, ग्र और ट, तो ट की वजह से आपको थोड़ा सा कर्व झूलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे ये पॉइंट आ गया एंड ये कर्व बना, तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे जाता है और थोड़ा झूल के पीक बनाता है, फिर थोड़ा झूल के पीक बनाता है। सिंस ट वाली साउंड इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं थी, इसलिए आपको पूरा कर्व के अंदर कोई चेंजेस नहीं आया है। लेकिन अगर आप देखिए तो ग्रेट ग्रेट एक सिंगल वर्ड था और इस वजह से उसकी 2n-1, दैट इज 2 × 2 1-1 इज दैट इज 1 अगेन, तो आपको इसलिए एक पीक नजर आ रही है और कर्व कितना सिमेट्रिकल है, मतलब कितना स्मूथ और कितना सिमेट्रिकल है। तो ये एक खासियत है इस प्रोग्राम की जो मैंने जनरेट किया है कि इसमें आपको सिमिलैरिटीज बहुत नजर आ जाती है। अब इसको मैं डबल मल्टीप्लीकेशन पे ले जाता हूँ। अब ये आपके प्रोमिनेंट वॉइस के मतलब सैम्पल्स जैसे होते हैं, फ्रिक्वेंसी के सैम्पल्स, तो ये देखिए अलग अलग सैम्पल्स है ट ट के, लेकिन वो उसमें पीक कितनी सही बन रही है। बेसिकली हमारा जो सिग्नल है कंसंट्रेशन का वो यही है, मतलब ये हमारा कोरिलेशन वाला सिग्नल है जिससे आपको पता चल जाए कि आपने ट ट कैसे बोला है या फिर आपने जो वर्ड बोला है वो कितना सिमेट्रिकल है, मतलब आपका वर्ड जो बोला गया है वो दूसरे वाले वर्ड जो पहले बोला गया लाइब्रेरी के अंदर वो कितना मिलता जुलता है। तो दैट्स द मेन मतलब मोटिव हमारा, और इसी को मैं मतलब प्रेजेंट करने वाला हूँ। इसको मतलब वर्ड्स दे दूंगा इस साउंड के साथ, जैसे सपोज अगर सिमेट्री आ जाती कर्म में, इसका मतलब ये उसके साथ मिलता है, तो दैट इज द वर्ड यू स्पोक, दैट्स इट। ठीक है, सो थैंक यू मैम फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच।